हेलो दोस्तों, मुद्दत बाद बातें तो बहुत सी करनी है, लेकिन कोविड में कुछ व्यवस्था ज़्यादा ही हो गई। जैसे आज ही देखो तो एक वेबिनार था, 10:30 से अभी ख़त्म हुआ है, 5 मिनट पहले 1 बजने वाला है, 2 बजे से फिर क्लास है 4 बजे तक, 6 बजे से फिर एक वेबिनार है। तो कुल मिला करके, लेकिन आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है और बात लंबी भी है और इतना लगातार समय भी नहीं होगा शायद, तो इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में होगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी बात जारी रखनी चाहिए तो फिर आपको सवाल भी पूछने चाहिए वीडियो में ज़रूर, ठीक है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत हताशा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, इवन जो प्रमोटर्स हैं उनमें। क्यों? UPSC हिंदी मीडियम के साथ पार्शियलिटी करती है, आप ऐसा सोचते हैं ज़्यादा। दिमाग से ये कीड़ा निकाल दीजिए। कुदरत का एक सिंपल सा नियम होता है कि कमज़ोर होता है जो हमेशा बेचारा होता है और वो हमेशा बलवान होना चाहिए उसको। स्वमेव मृगेंद्रता हमारे शास्त्र कहते हैं, अपो देवो भव। तो अपनी कमजोरियां अगर आपको पता हैं तो आप लोग उसी हिसाब से क्यों नहीं करते दूर? ये मिमियाना जो है ये छोड़िए। आपको पता है अंग्रेजी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मतलब क्यों है वो गलत है, सब कुछ गलत है। जब UPSC ने CSET कंपलसरी किया था तो 8 लोग थे, मैं भी और दीनानाथ बत्रा जी, अतुल कोठारी जी और लोग। उससे पहले आपके जितने भी सीनियर्स थे, मैंने सबको कहा, मैंने हिंदी मीडियम के सारे इंस्टीट्यूट्स को कहा, मैंने हिंदी की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैगजीन्स थी क्रॉनिकल और दर्पण, उनके जो प्रतिनिधि थे उनको भी कहा कि मर जाएगी हिंदी भाई, मेरी कोई रुचि नहीं है हिंदी मीडियम की क्लास शुरू करने में, और उसके मेरे कारण हैं, वो भी मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। हमने चलाया है वैसे कई साल और सक्सेसफुली चलाया। तो हम लोग जो है हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट। UPSC का लॉजिक था कि अंग्रेज़ी जो है वो तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो उसकी नॉलेज तो सबको होनी चाहिए। हमारा तर्क ये था कि अंग्रेज़ी सिर्फ 12 देशों में बोली जाती है, और जिन देशों ने भी प्रगति की है, अगर वहाँ मातृभाषा नहीं थी तो उन्होंने बिना अंग्रेज़ी के ही प्रगति की है। आप जापान की बात करो, रूस की बात करो, जर्मनी की बात करो, चीन की बात करो, किसी भी राष्ट्र की बात करो, तो अपनी भाषा में ही सब कुछ होता है। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, पंजाबी है, लेकिन भाषा में पारंगत होना चाहिए आपको। आपकी सबसे बड़ी कमी हिंदी ही नहीं आती बहुतों को आप में से, ख़ास तौर से जो ईस्टर्न UP और बिहार के लोग हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, और मैं उनको दोष नहीं देता, उनका जो शिक्षा तंत्र है वो उसका दोष है। आपको कभी सिखाई ही नहीं जाती हिंदी जो कि खड़ी बोली है, जो वेस्टर्न UP की हिंदी है। आप लोग अलग अलग जो हैं बोलियाँ, आप उनको बोलियाँ कहते हैं, मैं उनको अलिखित भाषाएं कहता हूँ। बुंदेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, जितने भी वेस्टर्न यूपी की हैं, ब्रज भाषा है, अवधी है, वो सब आप जानते हैं, लेकिन खड़ी बोली आपको नहीं सिखाई जाती।
जैसे भोजपुरी है, तो लिंग और वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। आपको स्कूल में ही ठीक नहीं किया जाता, आप खुद भी कोशिश इतनी नहीं करते, क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आईएएस बनते हैं जब मसूरी में जाते हैं, मान लो कोई यूपी का लड़का है, उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाती है, तो वो साल भर में तमिल सीख लेता है, तो क्या आप 3 महीने लगा करके अपनी हिंदी नहीं सुधार सकते, या फिर साल भर लगा करके अपनी इंग्लिश क्यों नहीं सुधार सकते? अगर आप तंत्र को बदलना चाहते हैं तो आपको तंत्र के भीतर जाना होगा, बाहर से नहीं होगा। आप लोगों ने मुखर्जी नगर में धरना दिया था बहुत सारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कुछ भी करती रहे, रोजगार तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी पृष्ठभूमि अंग्रेजी की होगी, और वैसे भी पॉलिसी पॉलिसी होती है, पॉलिसी गाइडलाइंस होती है, पॉलिसी लॉ नहीं होती। जब लॉ बनेगी तब देखेंगे, और पॉलिसी जारी करते हुए मंत्री जी ने कह दिया कि ये पॉलिसी किसी पर थोपी नहीं जाएगी, क्या तो क्या भाई। चलिए खैर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है ना, तो क्यों नहीं सीखते भाई? छोड़िए आईएएस की तैयारी, पहले अंग्रेजी सीखिए, पहले हिंदी सुधारिए। जब नींव मजबूत होगी तभी तो आगे जाकर के उसका लाभ मिलेगा ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप में टैलेंट की कमी है, मैंने इस दौरान बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और मेरा वीडियो देखने का तरीका क्या है कि मैं वीडियो कम देखता हूँ और नीचे जो कमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा देखता हूँ। हाँ, कमेंट मिलेगा 2025 में आप मेरा नाम यहाँ देखेंगे, हैं 2021 में ये करेंगे, है ना, फलां मैडम जो है बहुत अच्छा है, फलां वो बोल रहा है, फलां जो है खुद कभी पास नहीं हुआ तो क्या उपदेश दे रहा है। पता नहीं कितनी तरह के कमेंट होते हैं, क्यों होते हैं भाई? आप कोई वीडियो देखते हैं तो कोई समझने के लिए ना। अगर आपकी समझ नहीं आ रही या आप विचारों से सहमत नहीं है तो छोड़िए, हटाइए, वो टिप्पणी यूं कर दीजिए। आप इस तरह से टिप्पणी का, आप में से बहुत सारे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका टैलेंट देख के मैं हैरान होता हूँ। एक लड़के ने, 2-3 साल पहले मैंने वीडियो देखी थी, एक लड़के ने टिप्पणी की नीरज जी की एक कविता से, वो कविता मैंने नीरज जी से फेस टू फेस सुनी थी बचपन में, आपकी उम्र से भी छोटा था मैं, चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में मैंने सुनी थी, मैं शायद बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था। छुप छुप अश्क बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अब जिस बच्चे ने ये टिप्पणी की है वो आज तक आईएएस क्यों नहीं बना, मुझे समझ नहीं आया। आप लोग हमेशा वो बच्चन जी की पंक्तियां जो हैं उसको दोहराते रहते हैं, अमल भी तो कीजिए। मेरी एक जो दूसरों को मैं जोश देने के लिए कहता हूँ, मैं भूल गया हूँ, अभी बीच में आएगी या तो मैं आपको बता दूंगा, पर सवाल ये है कि पहला काम तो ये करिए, दूसरा काम, ये जो हिंदी भाषियों के लिए गुरु परंपरा है ना, इसको छोड़िए। गुरुजी ने ये कह दिया मान लो, गुरुजी ने वो कह दिया मान लो, हम सब गुरु जो हैं हम व्यावसायिक हैं। और एक चीज ध्यान में रखिए, गुरु शिष्य को चुनता है, शिष्य गुरु को नहीं चुनता, हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से। अगर मैं आपको सही दिशा देने में सक्षम हूं, मान लो आपको यहां से यूपीएससी तक जाना है,
ये आपको देखना है कि आपकी गाड़ी ठीक ठाक है, आपके हवा में पंक्चर वंक्चर नहीं है, ट्यूब में पेट्रोल भरा हुआ है, ब्रेक वगैरह सब काम कर रही हैं, स्पीडोमीटर ठीक है, क्लच ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि यहाँ से यूपीएससी कैसे पहुंचा जाए। वो ज़्यादातर आप में से जो हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें वहाँ तक उंगली पकड़ के पहुँचाया जाए। क्यों भाई, उंगली पकड़ के पहुंच भी गए तो क्या देश के लिए क्या करोगे भाई? आपको मान लीजिए एसडीएम के लिए की कोई जजमेंट देनी होगी तो कोई आपको राय बताएगा कि ये नहीं कि वो नहीं? आप देश चलाने जा रहे हो भाई, ये नहीं कि आपको अपनी कमियां पता नहीं है। और अगर कोई आदमी अपनी कमी पता होने के बाद भी उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं करता तो उससे बेवकूफ़ मेरी नज़र में कोई नहीं है। बहुत से होते हैं जिनको कमियां नहीं पता होती, ठीक है। तो आप जो भी टिप्पणी किया करें मेरी ही वीडियो में नहीं कहीं भी, वो सार्थक होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें प्रश्न होना चाहिए, उसमें कौतूहल होना चाहिए। ये नहीं वो नहीं। हाँ, वो मेरे को याद आ गई, वो कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बनता है, चट्टाने भी दिशा बताती, मानव जब आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी लगती है मुझे कविता। तो ना ही मनन करना है सिर्फ, उस दिशा में आगे भी बढ़ना, ठीक है। मैं जो है आप लोगों को कुछ जो मेरे विचार हैं, आप किस किस कमियों की वजह से नहीं हो पाते, अगर आपको पता है पहले से तो आपने दूर क्यों नहीं की, आपने राय लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं आपको कि जो माहौल है वो माहौल ये है कि कोचिंग का काम तो दिशा दिखाना होता है, तैयारी तो खुद करनी होती है। मान लिया दिशा दिखाना, सही क्या है वो तब तक उसका अर्थ कोई नहीं होता जब तक ये ना बताया जाए कि गलत क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग भटक रहे होते हैं। फलां टॉपर ने ये कह दिया, चलो उसके पीछे चल पड़ो। दूसरे टॉपर ने वो कह दिया, उसके पीछे चल पड़ो। आपने ऐसी क्षमता विकसित करनी है कि दो चार छः टॉपर्स के व्यूज़ को देख करके, मंथन करके अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं, अपनी कमियों के साथ और अपनी सफलताओं के साथ, अपने गुणों के साथ, ठीक है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारे हैं आप में जिनमें क्षमता है लेकिन क्यों नहीं होते। एक दोस्त तो मैं कोचिंग को भी देता हूँ। ऐसे ऐसे महारथी हैं जिनके यहाँ 1000, 1500, 2000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हमने जो अभी नया सिस्टम इवॉल्व किया है, वो कोविड हो गया तो जिसकी वजह से पूरी तरह हम लागू नहीं कर सकते, वो ये है कि 100 बच्चे होते हैं हमारी क्लास में। क्लास हुआ, बच्चों से कहा गया क्लास में बैठ के रिवाइज करो, जो डाउट है वो क्लियर करो, उसके बाद कम से कम एक आंसर लिखो, उसको चेक कराओ, गलती है तो सुधार करो और फिर जाओ। अभी 100 के 100 लोगों के आंसर तो चेक हो नहीं सकते, तो इसलिए हम 10-10 लोगों के ग्रुप बना लेते हैं। तो क्लास का टाइम जो है वो 8:30 से 10:30 होता है, लेकिन बच्चा घर जाता है 1 बजे 1:30 बजे, लेकिन घर जाने के बाद वो पूरा टाइम जीएस को दे सकता है। और आपकी जीएस की कोचिंग भी जिस तरह से चलती है वो मैं अगली बार बताऊंगा, पर फिलहाल जो है मैंने हिंदी मीडियम के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात की है जो डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हैं। क्या है, हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आता। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा भाई, आप अपना अहम छोड़िए,
मैंने विचार रखा है उनके सामने, देखें क्या होता है। मतलब जीएस के जितने भी विषय हैं उसके लिए जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर वो विषय ले रहे हैं, मिल जाएं सब आपस में, 7 इंस्टीट्यूट्स के 8 इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या जो भी चलाने वाले हैं जिनको पता है कि उनको बहुत अच्छा आता है, वो चलाएं, देश भर में परीक्षा लें, ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू 50 बच्चे चुने, जिनके पास भाषा भी है, जिनके पास थिंकिंग भी है, जो अपनी बात कह भी सकते हैं, जो आलोचना भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उन 50 बच्चों को 4 घंटे रोज, नहीं तो कम से कम 2 घंटे रोज उनको दें आप, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। अगर रोज 2 घंटे भी आप देते हैं सभी टीचर्स क्लास के अलावा, क्लास वाले दिन मत दीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि 2 साल रगड़ने के बाद इन 50 में से कम 1/3 बच्चे आईएएस बनेंगे। लोग कहते हैं यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग यूपीएससी को समझना ही नहीं चाहते, हाँ मिथ बना दिया है। बाशम ने कहा था देर आर सेवरल मिथ्स इन अवर हिस्ट्री एंड देर आर मेनी हिस्ट्रीज इन अवर मिथ्स, खोजो तो सही क्या है, जिज्ञासा रहनी चाहिए, जानने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। ये नहीं कि जोश, हाँ भाई मैं तो रात में सोऊं और सुबह उठूं तो आईएएस बन जाऊं। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं हमें, कई बच्चे मिलते हैं सर शॉर्टकट क्या है, अरे भाई शॉर्टकट नहीं होता, ऊपर वाले से आप कोई खास ही मुकद्दर लिख के लाएं तो मुझे बताइए, अदरवाइज बिना संघर्ष के सफलता का भी मजा नहीं होता भाई। मैं जानता हूं आप संघर्ष कर सकते हैं, एक तो ये गुरुजन वाली परंपरा हटाइए, जितनी भी आपको पढ़ाई करनी है वो सारी पढ़ाई YouTube चैनल्स में, गूगल में सब उपलब्ध है, जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं वो सब उपलब्ध है। कोचिंग का मतलब मैं क्या कहता हूँ, कोचिंग का मतलब होता है आंसर राइटिंग, इवेल्युएशन, इम्प्रोवाइजिंग, स्कोरिंग, क्वालिफाइंग। आप उत्तर लिखिए, ठीक है गलत होगा तो डांट पड़ेगी, और फिर गलत क्या है बताएंगे तो सही क्या है वो भी बताएंगे, फिर आप इम्प्रोवाइज करेंगे, अगर आपका उत्तर सही है तो वो फिर आपके कोच की जिम्मेदारी है कि वो वाकई सही है या नहीं ये आपको बताए। पर अगर आप भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, आ जाओ सब लोग भाई बहुत बड़ा नाम है हमारा, हम तोप होते हैं, जितने बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास होते हैं पूरे मुखर्जी नगर से पास नहीं होते उतने यार, और उसमें मेरा श्रेय सिर्फ इतना ही है कि मैं बच्चों को मेहनत करनी सिखाता हूं। आप लोग खुद सीखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि तैयारी खास तौर से जीएस की तैयारी वो समूह में होनी चाहिए, 4-5 लोग मिल करके, एक मत वाले लोग। उससे जो है समय बहुत कम रह जाता है, आधे से भी कम हो जाता है तैयारी का समय। आप मिलके नोट्स बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आप लोग ढूंढ के लाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, तो आप खुद कीजिए। अगर ये इंस्टीट्यूट मान जाते हैं, है ना, 2 घंटे रोज आपको देने हैं बिना किसी आपको लग लगाव के, बिना किसी फायदे के, मैंने तो उनसे कहा है कि इसके लिए जो भी फाइनेंसेस वगैरह चाहिए होंगे वो मैं देने को तैयार हूँ, अगर आपको लगता है कि आप क्या फ़ायदा है,
तो फ़ायदा ये है कि जो भी बच्चा पास होगा जिसमें आपका योगदान होगा तो आपका नाम लेगा ना भाई, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं जो एक आपको समझाना चाहूँगा, आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं हमने कहीं कोचिंग नहीं ली थी। मैं तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप कोचिंग से क्या समझते हैं कि आप क्लास में बैठे, आपने फीस दी, आप दुनिया भर की जो यूट्यूब देखते हैं, जैसे आप मृणाल की इकोनॉमी की वीडियोस कौन नहीं देखता, उससे फ़ायदा नहीं होता आपको, तो और कोचिंग क्या होती है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको किसी भी तरह से दिशा दे रहा है और आपका लाभ होता है, चाहे वो आपके सीनियर हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, कोई ना कोई तो होता ही है। तो ये नहीं कि मैंने कोचिंग नहीं ली, जो गाइड करता है कि अच्छा भैया ये इतना 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 पढ़ लो, उसने आपका समय बचाया, तो ये तरीका ही गलत है। जब आप पास हो जाएं तो जिस व्यक्ति की भी भूमिका पल भर की भी रही है और आपको लाभ हुआ है, पास होने के बाद क्या परेशानी है उसका योगदान मानने में, ठीक है। फिलहाल जो है मेरे को थोड़ा सा अपने आप को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि फिर मेरी क्लास शुरू हो जाएगी 2 बजे से, और फिर मेरे को आज समय मिला तो ठीक है, पर मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाए। और अगर आपकी प्रतिक्रियाएं कुछ आती हैं तो मैं जो वीडियो कल बनाऊँगा वो सारे उन प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश करूँगा, पर ध्यान ये रखिए कि वो प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, वो प्रश्न आरोप नहीं होने चाहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।